हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है, जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से कोटा पहुंचते हैं। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से राष्ट्रीय दशहरा मेला 2024 का भव्य आगाज 3 अक्टूबर से होने जा रहा है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जानी मानी अभिनेत्री हेमा मालिनी और कंगना रनौत शिरकत करेंगी। मेले का भव्य आगाज 12 अक्टूबर को रावण दहन से होगा। इस बार का रावण 80 फीट का होगा और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 65-65 फीट के होंगे। रावण दहन से पहले 8 अक्टूबर को निकलने वाली राम बारात में रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभा चुके कलाकार शामिल होंगे। इस बार का दशहरा मेला अलग ही अंदाज में देखने को मिलेगा। दशहरा मेला परिसर के प्रवेश द्वार और बाजारों के नाम इस बार रामायण के पात्रों के नाम पर होंगे, जो इस प्रकार हैं। इसके अलावा 19 अक्टूबर को आशापाला मंदिर में भजन संध्या होगी, जिसमें जाने माने प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा इस वर्ष बाबा अमरनाथ की झांकी भी सजाई जाएगी, जिसका लोग दर्शन भी कर सकते हैं। बाबा अमरनाथ की झांकी के लिए टिकट भी निश्चित किया गया है, जिसमें 10 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इसके बाद की उम्र वाले बच्चों के लिए 25 रुपये और बड़ों के लिए 30 रुपये टिकट निश्चित किया गया है। इसके अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए सर्कस भी लगने वाला है, जिसका टिकट 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इस बार की रामलीला दशहरा मैदान स्थित श्री राम रंगमंच पर होगी। और सबसे अच्छी बात, इस बार नगर निगम की ओर से कोटावासियों के लिए दशहरा मैदान तक निःशुल्क सिटी बस सेवा चलाई जाएगी, जिसमें बैठकर आप दशहरा मेले का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अगर आप भी मेला देखने की सोच रहे हैं तो हो जाए तैयार, क्योंकि इस बार का मेला अलग ही पहचान बनाने वाला है। कोटा दशहरे से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आज ही मेरे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे ऐसे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।